दिस वीडियो इज पावर्ड बाय प्रसाद ज्वेलर्स। प्रतिभाशाली लोग से हम मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स को काफ़ी आगे तक लेकर जाया जा रहा है। ऐसे इसमें से एक होता है बॉडी बिल्डिंग, और ख़ासकर हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बड़े बड़े जगहों में लेकिन छोटे से छोटे राज्य में, छोटे से छोटे शहर है, जैसे हमारा झारसुगड़ा, यहाँ पे भी बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है। मैं दीति केड़े, आपके मन पसंदीदा न्यूज़ चैनल वायरल झारसुगड़ा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। ऐसे ही बहुत से कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, इन्हीं कॉम्पिटिशन में से एक है वेस्टर्न एंड साउथ ओडिशा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, जिसमें से हमारे झारसुगड़ा के कुछ लोग गए थे और उन्होंने झारसुगड़ा नाम बहुत आगे तक लेके गए हैं। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर झारसुगड़ा के कुछ बॉडी बिल्डर्स मौजूद हैं, जिन्होंने वेस्टर्न एंड साउथ ओडिशा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाकर झारसुगड़ा नाम आगे किया है। चलिए हम उनसे बात करते हैं और उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। का परिचय? मेरा नाम शेख खुर्शीद है। तो आपने किस कैटेगरी में विन किया? मैं 65 से 70 केजी कैटेगरी में ओपन बॉडी बिल्डिंग में ये किया। तो आपको कब मतलब फील हुआ कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है और इसमें आगे जाना है? 2018 से मैं स्टार्ट किया था मेरा बॉडी बिल्डिंग करियर। मैं तो स्टार्टिंग से ही थोड़ा फिटनेस के लिए नॉर्मली स्टार्टिंग किया था, पर बाद में धीरे धीरे मेरे को कंपटीशन की तरफ आगे जाने का इंटरेस्ट हुआ, तो फिर मैं प्रोफेशनली उसके अंदर घुसने लगा धीरे धीरे। तो पिछला मैं 2 साल से कॉम्पिटिशन अभी खेल रहा हूँ रेगुलरली। तो झारसुगड़ा को नेशनल लेवल पर रखना चाहता हूँ आगे लेके, उसके लिए मैं तैयारी भी कर रहा हूँ, और हो सके तो आगे मैं उसको भी अचीव करके दिखाऊंगा। मेरा नाम सुमित कुमार शर्मा है। तो आपने कौन सी कैटेगरी में विन किया? मैं 90+ कैटेगरी में विन किया है। और आपको क्या मेडल मिला? मेरे को 4th मेडल मिला है। मैं एक्चुअली जिम पे हम 2022 से स्टार्ट किए थे, अभी तो 4 मंथ्स करते करते हमारा हुआ है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स करते करते फिर हमारे जो ट्रेनर है वो हमें मोटिवेट किए कि आपको आगे और पुश करना चाहिए और आपको आगे जाना चाहिए। ये अगर आपकी फर्स्ट जर्नी थी तो आपको कैसा लगा जब आपको एक अचीवमेंट मिला, तो क्या फीलिंग थी वो? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया लगा, और मैं और इससे और आगे भी जाना चाहूँगा, और इसके लिए तैयारी अभी भी मैं चालू है और आगे भी कर रहा हूँ। आपका नाम? दीपंकर घोष। तो आपकी क्या पोजीशन रही है? मेरी पोजीशन 90+ कैटेगरी में गोल्ड रही। तो आपको गोल्ड मिला है, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मेहनत बहुत किए हैं और मेरे सीनियर्स, मेरे फैमिली मेरे को बहुत सपोर्ट किए, तो इसी चलते मैंने इतना आगे तक मैं आके पहुंचा हूं। तो आप इसके लिए कब से प्रिपेयर कर रहे थे? मैं प्रोफेशनली इट्स बीन 17 साल हो गए मेरे वर्कआउट कर किए हुए, 15 साल मैंने पावर लिफ्टिंग किए, नेशनल पावर लिफ्टिंग किए हुए, और अभी 2 ईयर्स हुए मैंने बॉडी बिल्डिंग में कदम रखा है। बॉडी बिल्डिंग एक अच्छी स्पोर्ट्स है, उसके लिए आपको जीतोड़ मेहनत करना पड़ता है, प्रिंसिपल लाइफ जीना पड़ता है, और सीनियर्स, मैं यही बोलूँगा कि सीनियर्स के जो वो अनुशासन में चलाते हैं आपको, उसी तरह चलिए। आपका नाम? धर्मेंद्र यादव। तो आपको किस कैटेगरी में क्या पोजीशन मिला है? 90+ में 2nd पोजीशन। तो आपको ये 2nd पोजीशन पाकर कैसा लग रहा है, क्योंकि कैटेगरी काफ़ी बड़ी है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप क्या सोचें आगे और कहां तक लेके जाना है? आगे और झारसुगड़ा को रिप्रेजेंट करेंगे कम से कम 10 साल तक। यहां पर हमारे साथ उन सभी लोगों के गाइड मौजूद हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि वो हमें बॉडी बिल्डिंग के बारे में क्या बताना पाए। तो सर, आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? देखिए, मैं झारसुगड़ा एमेचर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी सुशांत कुमार त्रिपाठी। आज हमारे साथ में ये खुशी के मौके पर हमारे एथलीट्स जो कि अभी अभी हाल फिलहाल में 12 तारीख को गए थे बलांगीर में साउथ ओडिशा एंड वेस्टर्न ओडिशा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अचीवमेंट करके आए हैं, उनके सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जो कि उनका हार्डवर्क, हार्डशिप और उनका लगन, डेडिकेशन, ये सारे के साथ वो जितना आज डिस्ट्रिक्ट के लिए नाम करके आए हैं, ये एसोसिएशन उनको बधाइयाँ देता है। और ये एसोसिएशन ये भी कोशिश करेगा कि आने वाले दिनों में हम जितना बॉडी बिल्डिंग को प्रमोट कर सकें, तो हम उतना दूर तक सरकारी या बेसरकारी दोनों स्तर पर हम सहायता लेने के लिए और सहायता करने के लिए बॉडी बिल्डर्स के लिए एक्टिवेट है। बॉडी बिल्डिंग एक हेल्दी माइंड, एक हेल्दी सोल, हमेशा एक हेल्दी फिजिक में ही रहता है। हमारा आगे का जो प्लानिंग है इस एसोसिएशन का, हम आने वाले दिनों में
इसी साल का 2023 में नवंबर या फिर दिसंबर महीना में हम एक ओडिशा लेवल क्लासिक टूर्नामेंट विथ 3 डेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल का ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिसका कि केस प्राइज अवार्ड आज तक का ओडिशा हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। और झारसुगुड़ा आने वाले दिनों में बॉडी बिल्डिंग का एक हब होगा और एक स्पोर्ट्स का नया कल्चर लाएगा, ये हमारा एसोसिएशन हमेशा इसके लिए पूरा तत्पर है। तो आप फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बारे में लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? और मैं राजेश कुमार टेमुरकर, झारसुगुड़ा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के बारे में तो यही बोलना चाहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पर सभी लोगों से सुना कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि झारसुगुड़ा का नाम बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि ऐसे ही लोगों को आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि ये झारसुगुड़ा का नाम को बहुत से अलग अलग जगहों में लेकर जाए। ऐसे ही हमारे साथ ऐसे और भी टैलेंटेड लोगों को देखने के लिए जुड़े रहिए वायरल झारसुगुड़ा में, द वन यू ट्रस्ट। शादी हो या कोई त्यौहार, आपकी खूबसूरती को चार चांद लगाएगा प्रसाद ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे जेवरों की नई से नई डिजाइन्स, सोना चांदी डायमंड ज्वेलरी हर रेंज में उपलब्ध, झारसुगुड़ा में सबसे बेस्ट प्राइस। तो देर किस बात का, आज ही लेटेस्ट डिजाइन गहनों की शॉपिंग करें। प्रसाद ज्वेलर्स, सरबाहल रोड, झारसुगुड़ा।